Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 नवंबर 2021 और है सैटरडे. देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर. द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे. बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन. एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना. देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना. नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में. तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना. नाउ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है हजारीबाग प्लेट्यू को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है. देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे. साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था. डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज टॉप स्लिप. देखो नीचे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स के नाम दिए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए गए और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ये जो जगह है ये टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है. पहला ऑप्शन है सिमिलिपल नेशनल पार्क, स्पेलिंग गलत हो चुकी है, एक बार इसको चेक कर लेना. दूसरा ऑप्शन है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा ऑप्शन है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसमें से ये कौन सी जगह है जो कि टॉप स्लिप के नाम से भी जानी जाती है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर ज़रूर टाइप करना. बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो. तो चलो शुरुआत करते हैं, यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल. देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एक दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होंगी, खासकर वन डे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे. तो अभी क्या देखने को मिला है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोविड 19 का एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है और WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला. वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब यह है कि इस वेरिएंट से काफी चिंता वाली बात है और यह वेरिएंट काफी खतरनाक है एज कंपेयर टू दी अदर्स. आपको मालूम होगा लगातार हम लोगों ने कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स देखे हैं, उसी वेरिएंट में एक और नया वेरिएंट काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिला और उस वेरिएंट का जो साइंटिफिक नेम निकल कर आया था वो था B.1.1.529. अब यहाँ पर WHO ने उसको एक नाम दे दिया है, ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है वो नाम क्या है, वो नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है. तो ओमिक्रॉन नाम दिया गया कौन से वेरिएंट का, B.1.1.529 का. तो इसके बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. उसके बाद यहाँ पर WHO ने ये बताया कि आज के टाइम पर जो ये वेरिएंट है ये खतरनाक है सारे फॉर्म से, सारे वेरिएंट से, और यहां पर हम लोगों को एक थोड़ा सा अच्छा स्टेप लेकर चलना पड़ेगा. और अभी इसी को लेकर काफी सारी कंट्रीज काफी चिंता में आ चुकी हैं. अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा केसेस निकलकर आ चुके हैं साउथ अफ्रीका के अंदर और 4 के आसपास बोत्सवाना के अंदर, देन हांगकांग, बेल्जियम, इसराइल, डेनमार्क, यहां सभी जगह पर लगातार केसेस देखने को मिल रहे हैं. तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बनकर निकलकर आ सकता है. तो इसी को लेकर यहां पर WHO ने यह चिंता जताई है. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अपने कोविड वेरिएंट्स की. तो यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही ये पिक्चर शेयर किया था मुझसे तो, और उन्होंने बोला था इसका इस्तेमाल कर सकते हो. बिल्कुल देखो पिक्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सारे वेरिएंट्स के बारे में बात की गई है. देखो अल्फा वेरिएंट से शुरुआत हुई थी, अभी अगर हम बात करें तो सब वेरिएंट्स के नाम हैं यहाँ पर और सभी वेरिएंट्स के साइंटिफिक नेम भी है. जैसे कि अल्फा वेरिएंट है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये यूएस और यूके से ओरिजिनेट हुआ. उसके बाद बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, भारत से ओरिजिनेट हुआ है. और कापा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कप्पा बेसिकली यहां पर, ये भी इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है. और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो नाम दिए गए इनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे नाम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है. तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है. जो अभी नया वेरिएंट है वो कौन सा है, अभी आप लोगों को पता चल गया है, मैंने साइंटिफिक नेम बताया, एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए. B.1.1.529 करके यहां पर इसका साइंटिफिक नेम है. देन उसके बाद इसको जो नाम दिया गया है वो ओमिक्रॉन, ठीक है. तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद ये ग्राफ आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से आज के टाइम पर जो ये नया वाला वेरिएंट है वो काफी हद तक कंसर्न पैदा कर रहा है, मतलब ये वेरिएंट बोला जा रहा है काफी खतरनाक है, प्लस यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये बाकी सारे वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैल सकता है. ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है.
उसके बाद आएंगे अगले आर्टिकल पर। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू एक स्टेटमेंट दिया गया है, और जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, कोई स्टेटमेंट वाला आर्टिकल होता है तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना होता है। उस आर्टिकल के अंदर अगर एक आध चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली उसको कवर करना है। जैसे कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो आज के टाइम पर फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। ठीक है, वो जो फैमिली बेस्ड पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके थ्रू यहाँ पर आगे रूल कर लिया जाता है, तो इससे यहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा हमारी डेमोक्रेसी को पैदा होता है। अभी यहाँ पर बात करें तो ये सारी स्टेटमेंट कब दी गई, अभी आपको मालूम होगा कल क्या था, कल था 26 नवंबर, और 26 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं, और इन्होंने यहाँ पर और भी कुछ बोला है जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको मालूम होगा 26 जनवरी को एक और चीज़ होती है। 26 जनवरी को एक 26/11 अटैक हुआ था, 26/11 अटैक हुआ था 2008 में मुंबई के अंदर, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, अपने आप में काफ़ी भयानक अटैक था। इसके बारे में और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आज कवर किए गए हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बट अभी यहां पर अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा है 13वीं एनिवर्सरी हम लोगों ने यहां पर देखी है, और इस 13वीं एनिवर्सरी के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है बहुत सारे लोगों को, एक तरीके से जो भी यहां पर 26 टेरर अटैक के अंदर यहां पर काफी विक्टिम्स पाए गए थे। ठीक है, ये आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई ऐसे डायरेक्टली कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस खाली करंट इशू है जिसके बारे में आप लोग जान सकते हो। लेकिन डेफिनेटली अब एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, अगर हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, आर्टिकल इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सभी मैं आप लोग को यहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहो तो आप लोग उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो बात करते हैं, तो हाल ही में 26 नवंबर को 72 यानी कि आप कह सकते हो 72वां कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया गया है हमारे कंट्री के अंदर। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको हिंदी में संविधान दिवस भी बोलेंगे, सभी लोगों को पता है, और ये नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इस डे को हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को इतिहास में अडॉप्ट किया था, हम अपने संविधान को अडॉप्ट करे थे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं। और लगभग आप कह सकते हो इसी दिन, मतलब 26 नवंबर के आसपास की बात है, 26 नवंबर की ही बात है, 1949 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था। जो संविधान बाद में कब प्रॉपरली आया, 26 जनवरी 1950 में हमने यहाँ पे देखा कि बिल्कुल जो संविधान है वो लागू हो चुका है, संविधान बिल्कुल फोर्स में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को ये तारीखें कुछ ध्यान रखनी है, और ये तारीखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोगों को डेफिनेटली ध्यान रखना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, इन्होंने क्या करा, 19 नवंबर 2015 में इन्होंने नोटिफाई कर दिया कि बिल्कुल देखो, उससे पहले क्या होता था, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसी तारीख को 19 नवंबर 2015 में नोटिफाई किया, सरकार ने डिसीजन लिया कि बिल्कुल हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और इन्होंने तारीख डिसाइड करी, बिल्कुल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, तब से हम लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जो हमारे भारत का संविधान है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को सारे फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पता है कितने टाइम में फ्रेम हुआ था, उसको फ्रेम करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। और प्लस यहाँ पर हमारे जो संविधान है, इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, इनको कोई टाइप नहीं किया गया था, कोई प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं किया गया था, ये हैंड रिटन थे, हाथ से लिखा गया था, इसको हीलियम फिल्ड केस के अंदर रखा गया था। तो ये आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, जो लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर यह हैंड रिटन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लिखा था एक तरीके से, जो ये हमारा संविधान है, इसका जो भी इंडिया का स्ट्रक्चर है उसकी जो यूनिक कॉपीज थी उन्होंने यहाँ पर खुद लिखी थी, तो इनका नाम आप लोग एक ध्यान रख सकते हो, इनके बारे में एक आइडिया रख सकते हो कि जो यूनिक कॉपीज़ थी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की वो इन्होंने खुद लिखी थी। उसके बाद ओरिजिनली बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम ही होगा, ये बात तो सभी लोग को मालूम है जब भी आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, ये पॉलिटी के ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, जो भी आप लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको हमने बोरो किया था, बहुत सारे कंट्रीज से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बोरो किया, ब्रिटेन से कुछ बोरो किया, आयरलैंड से बोरो किया, जापान, यूएसए, साउथ
अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन कंट्रीज से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने बोरो करी और उसके बाद हम लोगों ने सभी चीज़ को मिक्स करके अपना संविधान को बनाया है। और यहाँ पर इसी के साथ आपको मालूम होगा हमने संविधान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को भी रख रखा है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू यहाँ पर बोला गया था, तो आप लोग इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो, ठीक है। यह स्टैंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। और उसके बाद जो ये हमारा संविधान है, ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम होगा फेडरल सिस्टम वगैरह देखने को मिलता है। जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सब आपको काफ़ी डिटेल में देखने को मिलेंगे जब भी आप पॉलिटी की किताब पढ़ोगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। फेडरल सिस्टम मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा झुकाव जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम तो होता है लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हमारे पास होते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हमारे पास पार्लियामेंट होता है। बाकी आप लोगों को पता है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। उसके बाद बैकग्राउंड की बात करें अभी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर, तो 1934 में क्या हुआ था, जो एम एन रॉय साहब हैं, ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 के अंदर, ठीक है, तो क्या हुआ, जो इलेक्शंस वगैरह है वो रखे गए थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक तरीके से लोगों को, एक तरीके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, इलेक्शंस के थ्रू यहां पर पूरी असेंबली बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर लगभग 7 लोग होते हैं, एक यहां पर आप देख सकते हो सभी के नाम लिखे हुए हैं यहां पर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर उसके बाद एन गोपाला स्वामी, बी आर अंबेडकर साहब हो गए, के एम मुंशी जी हो गए, मोहम्मद सदुल्ला, और भी बहुत सारे लोग आप देख पाओगे। लगभग 7 लोग की यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। और इसकी जो पहली मीटिंग थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, वो 30th ऑफ अगस्त 1947 में हुई। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इन्होंने इलेक्ट किया बी आर अंबेडकर साहब को एज इट्स चेयरमैन। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बन कराए थे, बी आर अंबेडकर साहब, तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है, तो आप लोग इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपको मालूम होगा जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी हैं, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे संविधान को फ्रेम किया है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने बी आर अम्बेडकर साहब को भी श्रद्धांजलि दी थी कल वाले दिन। तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस आर्टिकल में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर 26/11 अटैक है, तो उसको आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। आगे बहुत सारे आर्टिकल्स उसी टॉपिक पर कवर किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि बेकार हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक आर्टिकल है ये भी बेकार है, लेकिन यहां पर सीबीआई की चर्चा हुई है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने काफी बार सीबीआई के बारे में पढ़ाया है, चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करो, मतलब कई बार, मतलब हर महीने हम लोग कम से कम 10-12 बार तो पढ़ते पढ़ते होंगे, ठीक है। तो सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना क्या प्रोसेस होता है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहोगे क्या बकवास आर्टिकल है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो दिल्ली की जो हवा है, दिल्ली की जो एयर है, वो एक तरीके से टॉक्सिक हो चुकी है, वापस से काफ़ी जहरीली हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उस हवा के अंदर मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा सा इंप्रूव होगा। इंप्रूव होकर कहाँ जाएगा, सीवर कैटेगरी, सीवर कैटेगरी मतलब सबसे बदतर कैटेगरी के अंदर है, उससे वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर हम लोग को यह हवा देखने को मिलने वाली है। मतलब हवा के अंदर काफी सारे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स आज के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हवा काफी हद तक नुकसानदायक है आज के टाइम पर, ऐसे यहां पर आप लोग कह सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI क्या होता है, तो इसके बारे में ज़रूर जान लेना, क्योंकि AQI एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं, ये मेन काम करता है देखने के लिए जो हमारा एयर है, ठीक है, एयर की किस प्रकार की क्वालिटी है उसको लेकर एक इंडेक्स को प्रिपेयर करता है कि हवा के अंदर कौन कौन से हार्मफुल पोल्यूटेंट्स पाए जा रहे हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स देखता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो देखो मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो यहाँ पर ये एक एरिया है ए, अब इसके अंदर हम को हवा की क्वालिटी चेक करनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करना है, तो लगभग इस हवा के अंदर चेक किया जाएगा 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को, जो 8 जहरीली गैसेस हैं उनको यहां पर चेक किया जाएगा। जहरीली गैसेस का कह सकते हो, जहरीले पोल्यूटेंट्स हैं, इनको मेजर किया जाएगा कि ये कितनी मात्रा में है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि वो 8 पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। 8 पोल्यूटेंट्स के अंदर आप देख पाओगे ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, ठीक है, एक ग्राउंड लेवल ओजोन हो गया, उसके बाद PM10 हो गया, PM2.5 हो गया। PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर, मतलब छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े हो सकते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो PM10, PM2.5, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड,
और ग्राउंड लेवल ओजोन एयरबॉर्न पार्टिकल्स, ये आप देख पाओगे ये सब टू पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स हैं। मतलब ये जो मैंने आपको सारे पार्टिकल्स बताए, ये लगभग 8 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं और काफ़ी हद तक खतरनाक हैं। इन्हीं को मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को मेजर किया जाता है, तो ये इन 8 पॉल्यूटेंट्स का नाम ज़रूर ध्यान रखना। और पूछा क्या जाए, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है इसके ऊपर, आपको मालूम होगा 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो कोई शहर है, हमारे कंट्री के अंदर कोई शहर है, उसके अंदर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंडक्ट करना है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करोगे तो उसमें कौन कौन सी गैसेस को कंसिडर करोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नीचे आपसे ऑप्शन दिए, आपको ऑप्शन दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, इसमें से कौन सी गैस को कैलकुलेट करोगे। अभी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, फिर उसके बाद अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये पूछने के बाद इन्होंने ऑप्शन दिए गए नीचे, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए ऑप्शन। क्या आप लोग जब किसी शहर की एयर क्वालिटी को चेक करोगे तो उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस को देखोगे, 1, 2 and 3 ओनली, फिर उसका बी ऑप्शन दिया गया 2, 3 and 4 ओनली, सी ऑप्शन दिया गया 1, 4 and 5 ओनली, या फिर डी ऑप्शन दिया गया 5 की 5। ये जो गैसेस हैं इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। अभी हम लोगों ने तुरंत ही पढ़ा है, देखते हैं आप लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर इस चीज़ को कैप्चर किया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हम लोगों ने अभी कवर की है। देन उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है यहाँ पर, जो एक तरीके से एग्जीबिशन हुआ करता था गेर बेरे करके, यहाँ पर एक एग्जीबिशन हुआ करता था, उस एग्जीबिशन को अभी बंद कर दिया गया। एक पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन हुआ करता था कोलकाता के अंदर, अब बोला गया यहाँ पर इसको बंद किया जाएगा, इसको शट डाउन किया जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, कुछ यहाँ पर खास चीज़ें नहीं है ज़्यादा, तो बस इसके बारे में खाली एक आइडिया ही आप लोग रख सकते हो। तो यहाँ पर जो गेर बेरे है इसके नाम से और भी चीज़ें आती हैं, क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो गेर बेरे क्या है, यहाँ पर इसका जो नेम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के, एक तरीके से नॉवल थी इनकी, उनके टाइटल पे लिया गया था। उसके बाद गेर बेरे के नाम पे आपको देख पाओगे एक फिल्म भी बनाई गई है, जो एक तरीके से हमारे सत्यजीत राय हैं, इन्होंने यहाँ पर फिल्म बनाई हुई है, तो आप लोगों को मालूम होगा, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या है ना, ये एक तरीके से पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन हुआ करता था कोलकाता के अंदर, अब यहाँ पर बोला गया कि अब उसको एक तरीके से शट डाउन किया जाएगा, अब यहाँ पर बंद किया जाएगा, ठीक है। तो ये उसको लेकर एक चर्चा की गई है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ खास चीज़ें नहीं है। मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जो ये म्यूजियम एग्जीबिशन है इसका उद्घाटन 11 जनवरी 2020 में हुआ था, ठीक है। अब आप देख पाओगे कुछ ही टाइम एग्जीबिशन चला, उसके बाद बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वापस से कुछ नया इनिशिएटिव लेकर आएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया, और कुछ खास यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं। लेकिन एग्जीबिशन किस चीज़ का होता था, तो बंगाली आर्ट का, ठीक है, जो बंगाली आर्ट होती है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर एग्जीबिशन किया जाता था। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन है। देन आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया, एक पब्लिक नोटिस दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस निकल कर आई हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, तो यहाँ पर इसको आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो भी कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि कहीं पर भी अपने घर के आसपास गंदा पानी को इकट्ठा मत होने दो, ठीक है, इससे डेंगू, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया बढ़ सकता है, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये डिजीज़ अपने आप में काफ़ी भयंकर देखने को मिली और लगातार बढ़ती हुई नज़र आई हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा बहुत सारे केसेस निकल कर आए हैं इन सारी बीमारियों के। उसके बाद यहाँ पर बोला दूसरा कि जो एक तरीके से वाटर होता है, आप लगभग चिड़ियों के लिए पानी रखते हो, उसको भी एक तरीके से हर सप्ताह बदलते रहो, ये भी यहाँ पर करना चाहिए। या फिर जो एक तरीके से कबाड़ रहता है, टीन हो गया, टायर हो गया, या फिर और बहुत सारे टूटे फूटे बर्तन होते हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, खुले आसमान के अंडर में रख देते हैं सब इकट्ठा करके, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया, एक साथ कबाड़ को मत रखो। उसके बाद जो कूलर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर पानी काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है, ठीक है, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे टैंक वगैरह हैं, जो एक तरीके से पानी की टंकी होती है, इसको भी अच्छे से प्रॉपरली कवर किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें बताई हैं जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर डेंगू मलेरिया से बच सकते हो, नेचुरली यहाँ पर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। और उसके बाद क्या है, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके मनी प्लांट्स वगैरह हैं घर के अंदर, उनके अंदर जो पानी है उसको लगातार बदलते रहो, ठीक है, वीकली बदलते रहो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को बचाव कर सकते हो। अभी डेंगू के बारे में चर्चा की गई है, तो डेंगू के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है हम लोगों ने डेंगू के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल देखो जीएस पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है, मच्छर से होने वाली बीमारी है, और जो मच्छर यहाँ पर इस बीमारी को पैदा करता है, उस मच्छर का नाम क्या है, उसका नाम है एडिस एजिप्टी, तो यहाँ पर इसका नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये जो मॉस्किटो है ये क्या करता है, यही मॉस्किटो की वजह से चिकनगुनिया भी होता है, येलो फीवर भी होता है, जीका भी होता है, डेंगू भी होता है, मतलब यही मच्छर ये सारी बीमारियाँ फैलाता है। तो आप कहोगे मलेरिया नहीं होता, नहीं, मलेरिया दूसरे किसी मच्छर की वजह से होता है, उसका नाम आप बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में,
हैं कि वो किस मच्छर की वजह से मलेरिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें बताई गई, लगभग आज के टाइम पर आप देख पाओगे डेंगू के बहुत सारे आपको एक तरीके से ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, डेन वन डेंगू, मतलब डेंगू वन डेंगू टू डेंगू थ्री डेंगू फोर करके यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर केसेस देखने को मिलते हैं अपने आप में चारों ही एक तरीके से जो ग्रुप्स बनाए गए ये काफ़ी खतरनाक देखने को मिलते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना डेंगू के बारे में इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसके लक्षण होते हैं वो क्या होता है, लगातार तेज़ी से बुखार आ जाना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, तो यहाँ पर ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को डेंगू है, तो उसका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू हम लोग को पता चलता है, जब उसकी प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाती हैं उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पता लगाते हैं। उसके बाद क्या आज के टाइम पर कोई ट्रीटमेंट है, देखो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलेगा जो कि डेंगू का हो, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है कुछ इस प्रकार की चीज़ें आप लोग अपने घर में कर सकते हो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रख सकते हो, जिसकी वजह से हम लोग डेंगू से बच पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में डेंगू का स्टेटस क्या है, देखो अगर हम बात करें दुनिया भर में तो बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है 39 करोड़ डेंगू के केसेस हर साल निकल कर आते हैं, जिसमें से 9.6 करोड़ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर लक्षण पता चलते हैं और बाकी सारे के अंदर लक्षण नहीं पता चलते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 2018 के अंदर 1 लाख केसेस निकल कर आए थे, 2019 के अंदर 1.5 लाख निकल कर आए थे, और अभी फिर से यहां पर हम लोगों को डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, डेंगू को कंट्रोल करने के लिए एक डेंगू वैक्सीन का आज के टाइम पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, मतलब इसका यूज़ किया जाता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उस वैक्सीन का नाम है, पहले तो साइंटिफिक नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है CYD-TDV, और उसका जो कमर्शियल नेम है वो है डेंग वैक्सिया के नाम से बिकती है। ये डेंगू वैक्सीन है जिसको अभी अप्रूव किया है US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। प्लस अभी हम लोग एक वोल्बाचिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम लोग डेंगू को रोकने में पूरी तरह से सक्षम रहे हैं, ऐसा इंडोनेशिया ने बताया। इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पर वोल्बाचिया बैक्टीरिया को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे प्रिपरेशन में। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर, उसके अगले पेज पर बहुत सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ तो सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर बात करता है, नीति आयोग के थ्रू एक स्टेटमेंट दिया गया, लगभग 50% से ज़्यादा जो बिहार की पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ठीक है, एक तरीके से गरीबी की कैटेगरी में आती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब पुअरेस्ट स्टेट के अंदर आए हैं, मतलब यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, गरीबी के अंदर जो राज्य की कैटेगरी है उसमें ये राज्य टॉप करते हैं। उसके बाद केरला, गोवा, यहाँ पर ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गरीबी या जो पॉवर्टी है ये बहुत कम है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ये यहां पर आपको मैप दिया गया है जिसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पुअर आपको पुअरनेस देखने को मिलेगी, बिहार के अंदर 51.9% से आपको यहां पर पॉवर्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, यहां पर आपको उत्तर प्रदेश, ये जो रेड कैटेगरीज वाले एरिया है जहां पर पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, प्लस उसके बाद जो ग्रीन वाले एरियाज हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम है, ये आप लोग देख पाओगे, और ऑरेंज वाले एरियाज हैं यहाँ पर भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो बिल्कुल डार्क ग्रीन वाले एरियाज हैं यहाँ पर पॉवर्टी सबसे कम है, जैसे केरला हो गया। फिर उसके बाद केरला के बाद यहाँ पर आपको और भी एरियाज देखने को मिलेंगे जहाँ पर पॉवर्टी सबसे कम देखने को मिलेगा, लेकिन लीस्ट पॉवर्टी स्टेट की बात करें तो केरला यहाँ पर टॉप करता है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखोगे जहाँ पर सबसे कम गरीबी आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट निकल कर आया है, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ये है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट ने टॉप किया है पॉवर्टी के अंदर और कौन कौन से स्टेट ने यहाँ पर पॉवर्टी का जो इंडेक्स है इसके अंदर लीस्ट कैटेगरी में आए, मतलब सबसे बॉटम में है, एक आइडिया रख सकते हो। ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं वही चीज़ें यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करी गई कि कौन कौन से स्टेट के क्या क्या परसेंट से कहाँ कहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, उसके बाद यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रशिया, इंडिया, चाइना, इन दोनों की, मतलब इन तीनों ही कंट्रीज़ की मीटिंग हुई और यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर इंडो पैसिफिक गैप को रिवील किया है। इसका मतलब क्या है आपको समझाऊंगा, उससे पहले एक आर्टिकल और देख लो। अभी क्या होने वाला है, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये इंडिया विजिट करने वाले हैं, 6 दिसंबर को इंडिया विजिट करेंगे और फिर समिट होगा और देखेंगे इंडिया रशिया के जो रिलेशंस है उसको किस प्रकार से हम लोग आगे और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर ये 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट होने वाला है जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं भारत के अंदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे और
लगभग 2019 से इस प्रकार की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। तो अब पहली बार यहाँ पर 2019 से, अब मैं 2019 नाम ले रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है, 2019 से पहली बार इस प्रकार की मीटिंग हो रही है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आमने सामने बैठने वाले हैं दोनों कंट्रीज़ के। उसी के साथ ये जो विजिट होगा यहाँ पर इंडिया रशिया 2+2 मीटिंग भी देखने को मिलेगी। देखो 2+2 मीटिंग क्या होती है, दो कंट्रीज़ होंगी दोनों कंट्रीज़ के, एक तरफ से दो मिनिस्टर आएंगे और दूसरी तरफ से दो मिनिस्टर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल रशिया इंडिया की मीटिंग हो रही है तो यहाँ पर दोनों तरफ से दो दो मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इंडिया की साइड से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं ये दोनों जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हुए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हुए, तो ये दोनों यहाँ पर इस मीटिंग में रहेंगे। प्लस इसी प्रकार से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर रशिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर वो होंगे। तो 2+2 मीटिंग के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब जो समिट होगा, मीटिंग होगा, उसके बाद की बात है कि क्या क्या यहाँ पे डिस्कशन होगा। अभी हम लोग कुछ प्रोडिक्शन ऐसा कर नहीं सकते हैं, अभी सिर्फ इतना पता है हम लोग को 6 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है। आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर वो बात करता है रशिया इंडिया चाइना के बीच में मीटिंग हो चुकी है, इन्होंने वर्चुअली मीटिंग करी है। वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर ये बातचीत हुई है इनके फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, ठीक है। तो रशिया इंडिया चाइना ने काफ़ी कुछ यहाँ पर बोला है, आपस में डिस्कशन किया है। फ्राइडे में यहाँ पर रिवील किया कि किस प्रकार से यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आपको गैप देखने को मिलेगा। अब ये मैं आपको बताता हूँ, देखो चाइना ने अपने काफ़ी सारे कंसर्न दिखाए, चाइना ने कंसर्न दिखाया कि इंडिया आज के टाइम पर यूएसए के साथ मिला हुआ है। प्लस मतलब यूएसए के साथ मिला हुआ क्या है, इनका एक क्वाड ग्रुप बना हुआ है। क्वाड ग्रुप के बारे में आपको पता ही होगा, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जिसके अंदर चार कंट्रीज है, इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखती हैं जैसा यहां पर मेंशन किया गया है। और यहां पर क्या है, चाइना बिल्कुल इस ग्रुप के अगेंस्ट में है, ठीक है। चाइना यहां पर इस पूरी चीज को डायरेक्टली डिसअप्रूव करता है, इस इनिशिएटिव के अपोज में है चाइना, ऐसा बोलता है। चाइना का कहना यह है ये जो ग्रुप वगैरह बनाए गए हैं ये डायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट बनाए गए, मतलब चाइना को देखते हुए, चाइना को टैकल करने के लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप देख पाओगे इस मीटिंग के अंदर रखी गई है जो यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि चाइना एक चीज़ और अपोज करता है, वो अपोज क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, देखो अभी तो रशिया के साथ तो मीटिंग होगी होगी, साथ ही साथ जो हमारे पीएम है वो एक समिट को अटेंड करेंगे और वो जो समिट है वो होगी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के थ्रू चेयर करी हुई, मतलब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इस समिट को चेयर करेंगे और वो एक तरीके से समिट होगी डेमोक्रेसी समिट, उस समिट को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अटेंड करने वाले हैं और चाइना ने इसको भी अपोज किया है। तो ये सारी बातें इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर देखने को मिली है, मतलब इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातचीत हुई है वो यहां पर देखने को मिला है। अब ये बातचीत आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी तो आप इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया रख सकते हो कि अब यहां डिस्कशन हुआ, लेकिन अब न्यूज़पेपर में आया है तो हमें कवर करना भी जरूरी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको मालूम है कि रशिया इंडिया चाइना के बीच में ग्रुप भी बनता है जिसको हम लोग RIC बोलते हैं, RIC। मैं आपको उस ग्रुप के बारे में बता देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं ताकि इस आर्टिकल का जो पोटेंशियल है इसको हम लोग और बढ़ा सकें। तो आर्टिकल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक ग्रुप का नाम है RIC, मतलब रशिया इंडिया चाइना, ठीक है। अब यहां पर इस ग्रुप को बनाया गया था 2002 के अंदर, लगभग आप कह सकते हो हर साल यहां पर इन तीनों की मीटिंग होती है। और यहां पे बोला गया जो RIC है, RIC, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो ग्रुपिंग है इसकी, सबसे पहली बार इसको बनाया गया था 1990s, मतलब इसने अपना शेप ले लिया था 1990s में, लगभग इसको बनाने की चर्चा की जा रही थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हो, 1990s में यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। एक लीडर थे जिनका नाम है येवगेनी प्रमकोव, ठीक है, रशियन पॉलिटिशियन थे, इनके थ्रू यहाँ पर ये आइडिया रखा गया था। फिर क्या हुआ, ये जो ग्रुप है ये बनाया भी गया और इस ग्रुप के ऊपर काम किया भी गया और फिर लगातार इस ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार मीटिंग होती भी आई हैं। अगर हम बात करें ये तीनों ही कंट्रीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीनों कंट्रीज़ मिल जाएं साथ में ना तो लगभग हमारे पूरे दुनिया भर का 19% का जो लैंड मास है वो कवर करती हैं। इंडिया चाइना रशिया ये तीनों मिलकर 19% का लैंड मास कवर करती हैं पूरे दुनिया की कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पूरे दुनिया की GDP है उसके अंदर 33% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इन तीनों कंट्रीज़ का। तो तीनों कंट्रीज़ अगर मिल जाएं तो अपने आप में काफ़ी पावरफुल ग्रुप रहता है। तो RIC, आई होप आपको समझ में आया कि RIC क्या होता है। तो RIC समिट हम लोग को देखने को मिलती है, लगातार बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। ये मीटिंग्स किस किस टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करती हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के ऊपर, या फिर जो आतंकवाद होता है उससे कैसे लड़ा जाए, तो इस प्रकार की चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है। प्लस ये भी फोकस रखा जाता है कि किस प्रकार से ये जो कंट्रीज़ हैं अपने आप में रिलेशंस को अच्छा कर सकती हैं, अपने आप में कोऑपरेट करके चल सकती हैं, ठीक है। हालांकि चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, क्योंकि आप एग्जांपल ले सकते हो इंडिया चाइना का, कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ डिस्कशन होने के बाद भी इतना कोऑपरेशन के ऊपर बातचीत करते हैं, साथ में मिलकर इस चीज़ पर बातचीत करने के लिए सारे ग्रुप से, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर क्या है, चाइना की साइड से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिलता है वो आप लोग आज के टाइम पर देख ही पा रहे होंगे,
ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल भी क्लियर हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है इंडिया इन टॉक विद पाकिस्तान, भारत आज के टाइम पर बातचीत कर रहा है पाकिस्तान से ओवर द अफगानिस्तान एड। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या था, अभी यहाँ पर इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था अक्टूबर के टाइम पर, लगभग अक्टूबर का पहला सप्ताह था जब बातचीत चल रही थी, और इंडिया ने बोला कि बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, भारत अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करवाएगा, मतलब अफगानिस्तान को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। सपोर्ट किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे, 50,000 टन हम लोग गेहूं प्रोवाइड करवाएंगे और कुछ मेडिसिन देंगे अफगानिस्तान को। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बीच में सिनेरियो इतना ख़राब हो चुका था, इनफैक्ट अभी भी सिनेरियो काफ़ी ख़राब है, गरीबी काफ़ी मतलब बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है, लोग काफ़ी परेशान है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाए भी थे कि क्या हुआ कि लोगों ने अपने बच्चों को बेचा भी है, ठीक है, कि उन लोगों को कुछ दो वक्त का खाना मिल सके। तो इस प्रकार की हंगर वाली सिचुएशन, पॉवर्टी वाली सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने डिसाइड किया बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, और हम लोग 50,000 टन जो गेहूं है और कुछ मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे अफगानिस्तान को। लेकिन हुआ क्या, दिक्कत थी, हम लोग कैसे पहुँचाएँ, डिलीवरी कैसे करें। अगर हम लोग ईरान से लेकर जाते हैं, क्योंकि ईरान में हमारा चाबार पोर्ट है, आप लोगों को मालूम होगा, अगर वहाँ से लेकर जाते हैं तो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट से कुछ वहाँ से हम लोग चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कैसे लेकर जाएं अफगानिस्तान के अंदर वो सामान। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर बीच में अप्रूवल दिया कि बिल्कुल हम अपना रास्ता खोलेंगे, आप हमारे ट्रांजिट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब उसी को लेकर बातचीत जारी है कि इंडिया अब पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है कि हम अफगानिस्तान को कुछ मदद प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे अफगानिस्तान के सॉरी पाकिस्तान के रास्ते से हम लोग ये सामान पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में से हम लोग ये सामान गुजारेंगे जो कि अफगानिस्तान तक पहुंचाया जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख पाओगे कि लगातार हम लोग देख पा रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा की जा रही थी, इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान अपने इस प्रोसेस को तेज करे, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा काम देखने को मिलेगा, लगातार डिले होता हुआ नजर आ रहा है। हमने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यह बात बोली थी, आज के टाइम पर नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, तो अभी इसके ऊपर फोकस करने के बारे में चर्चा की जा रही है और कोशिश की जा रही है जल्दी से इसको भी इंप्रूव किया जाए और जल्दी से भारत अफगानिस्तान के अंदर इस एड को प्रोवाइड करवा पाए। आई होप आपको यह भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है, अभी यहाँ पे आप देख पाओगे लगभग 13 साल हो चुके हैं, अभी हमने देखा कल 26 नवंबर था और 11 अटैक जो हुआ था वो भी 26 नवंबर को ही हुआ था, तो लगभग 13 साल हो चुके हैं उस अटैक को हुए हुए। जो मुंबई टेरर केस है अभी तक इसका ट्रायल जारी है NIA कोर्ट के अंदर, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट के अंदर अभी भी इसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ऐसा बताया गया। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक तरीके से एक ट्रायल को रोक दिया था अगेंस्ट अबू जुंदल, ये बताया गया। इस पूरे के पूरे साजिश के पीछे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर नाम बताए गए हैं, आप देख पाओगे यहाँ पर जो ट्रायल चल रहा है आज के टाइम पर सैयद जैबुद्दीन के अगेंस्ट में चल रहा है, अबू जुंदल के अगेंस्ट में चल रहा है, अंसारी अलियास के अगेंस्ट में चल रहा है। तो मतलब ये सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि रेस्पॉन्सिबल है इस अटैक के, इन्होंने यहाँ पर यह अटैक प्लान किया था, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे लश्कर ए तैयबा भी है इसके अंदर, और जिन्होंने मिलकर यहाँ पर इस 26/11 अटैक को कंडक्ट किया बॉम्बे के अंदर, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसी वजह से हमने यहाँ पर इनको कस्टडी वगैरह में भी लिया था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पाओगे इनके ऊपर ट्रायल आज के टाइम पर चलता हुआ नजर आएगा। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर जो जंडल है वो लगातार अभी भी आर्थर रोड जेल में आपको देखने को मिलेगा, लगभग आप कह सकते हो कि अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं, अभी मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको और भी एग्जामिन करना है, मतलब अभी भी हमारे पास जो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, जो पूरा का पूरा यहाँ पे ये बॉम्ब अटैक हुआ था, अभी भी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अभी एग्जामिन नहीं किए गए, उनको भी यहाँ पर उनके एक तरीके से जो भी काम किया है उसके उस पर पहुँचाना है। लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार जो ट्रायल्स वगैरह वो जारी देखने को मिलेंगे, 13 साल हो चुके हैं, तो ये यहाँ पर बताया गया। अभी क्या है, ये इस आर्टिकल में से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर इस आर्टिकल में से कुछ नहीं पूछने वाले, 26/11 अटैक के बारे में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। 26/11 अटैक की बात करें तो देखो उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो पाकिस्तान के थ्रू ना बहुत सारे यहाँ पर साजिश रची गई, बहुत सारे अटैक्स करवाए गए भारत के अंदर। 1993 के अंदर लगभग 250 लोगों को मार दिया गया था मुंबई के अंदर, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब एक्सप्लोजन किया गया था तब यहाँ पर मारा गया, ठीक है। उसके बाद जुलाई 2006 के अंदर भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, अभी मैं 26/11 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं और ही बहुत सारे अटैक्स की बात कर रहा हूं जो कि उससे पहले हुए थे। 2006 जुलाई के अंदर भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, इस पूरे बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। तो उसके बाद यहां पर फिर आता है 26/11 अटैक, ठीक है, 26/11 जो ये मुंबई टेरर अटैक है ये अपने आप में सबसे बड़ा इंसिडेंट रहा है। लेकिन
26/11 अटैक से पहले एक सबसे खतरनाक अटैक और हुआ था, वो था इंडियन पार्लियामेंट अटैक। आपको मालूम होगा भारत के पार्लियामेंट के ऊपर 2001 के अंदर अटैक किया था पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने। उसके बाद मतलब एक दर्दनाक अटैक तो पार्लियामेंट के ऊपर था, उसके बाद जो सबसे बड़ा दर्दनाक अटैक हुआ है वो 26/11 यानी 26/11 अटैक हुआ है मुंबई वाला। ठीक है, अब अगर हम 26/11 मुंबई टेरर अटैक की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसको काफ़ी मतलब इतने ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसके ऊपर बहुत सारी पोइट्रीज़ वगैरह भी लिखी गई हैं आप लोगों को मालूम होगा। और ये अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, मतलब ऐसा केस हम लोगों ने देखा ही नहीं था अभी तक जिस प्रकार से केस देखने को मिला और जिस प्रकार से यहाँ पर जितनी ज़्यादा मतलब एट्रोसिटीज़ क्रिएट हुई थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बोला कि आप देख पाओगे कि लगातार ये जो अटैक है ये अटैक कोई अचानक से अटैक नहीं किया हुआ था, इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी, सालों की प्लानिंग की गई थी। और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट यहाँ पर बोला गया कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और वहाँ का जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है ये सभी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, इन्हीं की वजह से यहाँ पर अटैक कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो आप देख पाओगे। और उस समय पता है क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक चल रही थी, मतलब शांति बनाने की बातचीत चल रही थी, और उसी समय पर ये एक बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला। देन उसके बाद क्या है, यह एक चीज और है कि मतलब यह अटैक इस प्रकार का था कि पहली बार हमारी जो रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल होती है जैसे कि मार्कोस जिनको हम लोग बोलते हैं, मैरिन कमांडोज हो गए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गए, इन सबको हम लोग इन्वॉल्व करना पड़ा, ये सब यहां पर वर्किंग में निकल कर आए थे। तो पहली बार यहां पर इस प्रकार का अटैक हुआ था, तो इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खतरनाक यह अटैक होगा, कितना दर्दनाक यहां पर अटैक किया गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, नेक्स्ट लाएंगे पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन, देखेंगे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे पहला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पे चर्चा की गई है गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। ठीक है, आपको मालूम होगा अभी गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो 4 ट्रांचेस है उसको लॉन्च किया गया था। इस आर्टिकल को मैंने अक्टूबर के महीने में लगभग 24 अक्टूबर को डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में पढ़ाया था, इतना मुझे ध्यान है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है, ये जो गोल्ड बॉन्ड है इसके इशू प्राइस को ला दिया गया है, सरकार ने यहाँ पर इशू प्राइस बता दिया है। तो अभी जो गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप लोग यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर अगर आप गोल्ड को परचेज करना चाहते हो फिजिकली नहीं, सिर्फ आपको एक पेपर वर्क मिलेगा और आपने गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसका मकसद क्या, मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीज़ आप लोगों को पता चलेगी कि आखिरकार स्कीम कैसे काम करती है। तो ये जो स्कीम है सरकार ने यहाँ पर अब की बार जो इसका सब्सक्रिप्शन वो ओपन कर दिया है, लगभग आप कह सकते हो नवंबर 29, मतलब आज से 2 दिन बाद यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। बोला गया है 1 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो लगभग 4791 रखा गया है। ठीक है, इतने रुपये में आपको लगभग इतना रुपये में आप लोग 1 ग्राम गोल्ड परचेज कर पाओगे। अब परचेज क्या कर पाओगे, ये पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर पाओगे इस गोल्ड के अंदर। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको कनेक्ट करता है। और बाकी सारे इसके जो ट्रांचेस हैं, मतलब अलग अलग ट्रांचेस आते हैं, एक बार इशू प्राइस ही आया फिर उसका एक अलग आएगा, मतलब लगातार और भी बहुत सारे ट्रांचेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल के अंदर अगर बात करें, सबसे पहली बात, इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया था नवंबर 2015 के अंदर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फिजिकल गोल्ड होता है इसकी डिमांड को कम कर सके। होता क्या है, अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, भरपूर पैसा है, वो चाह रहा है कि हम लोग गोल्ड में सोने में पैसा इन्वेस्ट करें, तो किस प्रकार से इन्वेस्ट करते थे, गए दुकान पर गोल्ड खरीद के लिए आए, घर पर रख दिया, गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट होता था। लेकिन यहाँ पर इसी सिस्टम को खत्म किया गया, आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदो, आप क्या करो, आप सरकार के पास उसके बदले में पैसा जमा करा दो। ठीक है, आप पैसा इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, आप कैसे करते हो, आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको बदले में उसकी सिक्योरिटीज मिल जाएंगी, सरकार आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देगी कि बिल्कुल आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है गोल्ड के अंदर सरकार के पास वो पैसा पहुंच चुका है, और इसके बदले में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा गोल्ड का, जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी ब्याज होगा, वो आप लोगों को उसके बदले में मिलेगा, जैसे एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, उसी प्रकार से आप सरकार के पास ये काम कर सकते हो। बस ये है कि आपको फिजिकली कोई गोल्ड नहीं मिलेगा। तो इसी स्कीम को लाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ओके, नाउ जो गोल्ड बॉन्ड है ये क्या होता है, देख पाओगे जो बॉन्ड है बेसिकली एक पेपर साइन करवा लिया जाएगा सरकार के साथ, एक बॉन्डिंग करवा ली जाएगी, एक बॉन्ड आपको मिल जाएगा, आपके पास पेपर वर्क तैयार रहेगा। ठीक है, जब भी आप लोगों को कुछ बेचना होगा पेपर वर्क ले जाओ, और उसके बाद यहाँ पर आप एक तरीके से अपना मतलब जो भी आपने गोल्ड वगैरह खरीदे हैं उसको बेच दो, उसके बदले में जो भी आपका पैसा वगैरह वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना कोई आसान काम नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, जो ये गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से यहाँ पर इशू करती है, सरकार हमारी इशू करती है, और ये एक एक्ट के अंदर इशू
इशू किया जाता है, मतलब सारी चीज़ें लीगल हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के अंडर में इशू किया जाता है, गवर्नमेंट आपको एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो इशू करता है मामला, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर काम करता है सरकार के बिहाफ में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा का पूरा इस सिस्टम को देखता है। और फिर उसके बाद ये जो एक तरीके से बॉन्ड्स हैं ये यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स भी बेचते हैं, उसके बाद स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेचते हैं, NSE BSE, आप तो स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इनके अंदर भी गोल्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी आप लोग डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख पाते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड्स हैं ये हर कोई परचेज कर सकता है, कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हो गया, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई भी यहाँ पर हो गया, ये एक तरीके से हर कोई व्यक्ति एलिजिबल है। फीचर्स की बात करेंगे तो क्या इसकी खासियत है, तो आपको इशू प्राइस मिलता है, जो गोल्ड बॉन्ड मिलता है आपको 24 कैरेट का, ये जो गोल्ड है इसके बेसिस पर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस पूरे सिस्टम को पब्लिश करता है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, जो मुंबई के अंदर है, इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होती है, तो आप लोग यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड के अंदर आप परचेस कर सकते हो एक यूनिट तक को, मतलब कम से कम एक यूनिट भी परचेस करते हो आप, एक ग्राम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब सोने के अंदर अगर आप लोग को एक ग्राम इन्वेस्ट करना है तो आप एक ग्राम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस इसको और भी बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है ये अलग अलग रखी गई है, जैसे कोई रिटेलर्स होते हैं, मतलब इंडिविजुअल हो, जैसे आप हो, मैं हूँ, हम लोगों को इन्वेस्ट करना है तो हम लोगों के लिए एक लिमिट रखी गई है, वो लिमिट है 4 किलोग्राम, मतलब 4000 यूनिट, हम लोग 4000 यूनिट तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, बड़े बड़े एंटिटीज होती हैं, इनके लिए एक लिमिट काफी बड़ी है, इनके लिए 20 किलोग्राम तक की लिमिट है, ये 20 किलोग्राम तक के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और मिनिमम एक तरीके से परमिसेबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1 ग्राम गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। और 1 ग्राम गोल्ड का ही अभी क्या कराया गया, यहां पर प्राइस को इशू किया गया कि इतना पैसा आप इन्वेस्ट करो, आने वाले फ्यूचर में अगर ये कोई भी बढ़ेगा, इस पर इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा, अगर आप लोग बेचोगे तो उसके बदले में आपको ब्याज वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। जो ये गोल्ड बॉन्ड है इसके अंदर एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब कि अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आपको देखना है, आपने अगर गोल्ड बॉन्ड के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो इससे क्या होगा, आपको लगभग 8 साल तक वेट करना होगा, 8 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप लोग बेच पाओगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है, गोल्ड बॉन्ड खरीदा है, तो इसको आप तुरंत नहीं बेच सकते, 8 साल में बेच पाओगे। लेकिन हाँ, इसमें बीच में अगर आपको कोई अर्जेंसी है तो एक ऑप्शन मिल जाता है, वो 5 साल का ऑप्शन है, कि मतलब आप 5 साल बाद भी बेच सकते हो, लेकिन यहां पर जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल का ही होता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो आपको 2.5% का फिक्स रेट इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 2.5% का आपको यहां पर ब्याज मिल जाता है। जो इंटरेस्ट है गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर ये टैक्सेबल भी हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स भी काट सकती है सरकार, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, क्या फायदा होगा, अगर आपके पास कुछ बॉन्ड्स होंगे तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, आप कहोगे लोन तो वैसे भी ले सकते हो, बिल्कुल, जब आप वैसे भी लोन लोगे तो क्या होगा, उसके बदले में आपको कुछ कॉलेटरल सिक्योरिटी रखनी होगी, उसके बदले में कुछ यहाँ पर रखना होगा बैंक के पास। लेकिन जब आपके पास बॉन्ड्स होते हैं, जब आप यहाँ पर बॉन्ड्स ले लेते हो, अगर उसके बाद आप कहीं पर लोन लेने जाते हो तो उसके बदले में आपको कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी, उसके बदले में किसी कुछ भी आपको बैंक के पास नहीं रखना होता है, पहला बेनिफिट ये होता है। उसके बाद कैपिटल गेन देखने को मिलता है, जो भी प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया जाता है वो आपको प्रॉफिट मिलता भी है डेफिनेटली। उसके बाद डिसएडवांटेज भी है काफ़ी सारे, डिसएडवांटेज ये है कि आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर फिजिकल गोल्ड की तरह नहीं है। अगर आप लोगों ने फिजिकल गोल्ड खरीदा होता तो जब चाहे मर्जी आप बेच दो उसको, लेकिन यहाँ पर आपने अगर बॉन्ड ये खरीद लिया है तो कम से कम 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 8 साल तक वेट करना पड़ेगा, अगर 8 साल नहीं तो कम से कम 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर इस बॉन्ड को बेच पाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई आपको क्लियर हो चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम थी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करता है यहां पर स्टॉक मार्केट के बारे में, जो सेंसेक्स है वो हमारा काफी हद तक हिट होता हुआ नजर आया, क्योंकि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट के बारे में जैसी चर्चा हुई, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजों को शेयर्स लगातार गिर गए, जैसे होटल्स वगैरह के हो गए, एयरलाइन के शेयर्स वगैरह हो गए, ये डाउन होते हुए नजर आए। हालांकि यहां पर जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैं इनके शेयर बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है, तो बाकी यहां पर आप देख पाओगे क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी अपने आप में ड्रग मेकर है, मेडिसिन को बनाते हैं, इस वजह से यहां पर इनके शेयर्स थोड़े से इंक्रीज हुए। अदरवाइज यहां पर स्टॉक मार्केट अभी यहां पर अगर हम बात करें पिछले 2-4 दिनों से काफी तक क्रैश डाउन चल रहा है, काफी तक डाउन चल रहा है, उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आपसे एग्जाम में यहां पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, करंट इशू बताया जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो पढ़ने वाली चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, एक आर्टिकल और था जो अभी आपने डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे आप लोग, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
लेकिन उससे पहले आज हमने हमने वर्ल्ड पेज को स्किप कर दिया था, ठीक है, तो इस पे भी आते हैं वापस, घूमते चलते वापस याद आ गया मुझे। तो पेज नंबर 13 दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इकलौता आर्टिकल आज के पेपर पर यही है। यहाँ पर बातचीत की गई है कि इंडिया, आज के टाइम पर इंडिया के ऊपर फोकस किया गया कि इंडिया यहाँ पर कुछ पॉलिसी लेकर आए तिब्बतन कम्युनिटी के लिए। देखो क्या है कि चाइना लगातार क्या कर रहा है, जो तिब्बतन्स हैं उनको बॉर्डर की साइड पर लगातार पुश कर रहा है, और बहुत सारे जो तिब्बतन्स हैं आज के टाइम पर वो इंडिया के अंदर भी हैं, प्लस बहुत सारे तिब्बतन्स आज के टाइम पर अलग अलग कंट्रीज में जा चुके हैं। यूएस के अंदर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो तिब्बतन्स हैं, प्लस उसके बाद यहाँ पर कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, सभी जगह पर तिब्बतन्स काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना की हरकतें कुछ इस प्रकार से कि चाइना तिब्बतन्स को बॉर्डर की साइड पर लगातार ढकेल रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे तिब्बतन्स भारत के अंदर भी है, तो इंडिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर एक फर्म पॉलिसी को लेकर चले, यहाँ पर तिब्बतन्स के लिए कुछ ना कुछ करे, इसको लेकर यहाँ पर इंडिया के ऊपर फोकस रखा गया। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेनपा सेरिंग है, ठीक है, एक न्यूली इलेक्ट सिंगयोंग है, किसके, सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी के, तो इसी इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पर जो तिब्बतन्स हैं भारत के अंदर रह रहे हैं, खासकर रिमोट एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पर तिब्बतन कम्युनिटी ये यहाँ पर एक तरीके से एक्सेप्ट ये करती है कि यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया जो है पूरी तरह से मदद करेगा, इंडिया यहाँ पर जो है सिचुएशन है तिब्बतन्स की वो समझेगा, और प्लस इंडिया यहाँ पर इनके लिए एक फर्म पॉलिसी लेकर आएगा। तो ये यहाँ पर ये लोग मानते हैं, और उसके बाद ये लोग ये भी मानते हैं कि चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, भारत के जो डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ लद्दाख वाले एरियाज़ में तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर तिब्बतन्स को एक सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भारत के ऊपर यहाँ पर फोकस रखा गया है। तो ये आप लोग यहाँ पर एक आइडिया रख सकते हो। और बाकी आपको पता ही है चाइना तिब्बतन का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तिब्बत वाला जो रीजन है पूरी तरह से चाइना ने कब्जा रखा है, और अब तो कब्जा पूरी तरह से लिया ही है, तो ये आप लोगों को मालूम होगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, जो कि डायरेक्टली मैंने आप लोगों को समझाई। देखो बहुत सारी और भी चीज़ें बकवास की चीज़ें हैं जो कि आप लोग नहीं पढ़नी है, ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट होगा, तो डेफिनेटली मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आर्टिकल का निचोड़ क्या है मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। देखो वैसे तो आज चारों एडिटोरियल डिस्कस करने लायक है, क्योंकि सैटरडे में क्या होता है, सैटरडे में एक पेपर पर एडिटोरियल्स आते हैं और दूसरे पेपर पर ग्राउंड जीरो आता है, तो सैटरडे में हमारा दूसरा पेपर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो चारों एडिटोरियल किस किस चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कल हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया था एमजी नरेगा के बारे में, कि एमजी नरेगा के अंदर अभी क्या किया गया है, फंड को बढ़ावा दिया गया है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग टाइम बचता है लास्ट में, तो अदरवाइज़ ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, अभी जो NFHS है इसका जो NFHS 5 है इसका डेटा आया है, तो यहाँ पर कंपेयर किया इन्होंने कुछ फेसेस को, क्या सिचुएशन रही है भारत के अंदर, भारत के अंदर अगर हम बात करें सेक्स रेशियो क्या है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या है, ये बताया गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पर चर्चा की गई है इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को आज के टाइम पर ज़रूरत है वर्गीज कुरियन की। वर्गीज कुरियन कौन है, अमूल के फाउंडर, उसका जो वाइट रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन जो आया है भारत के अंदर ना, वो भी यहाँ पर वर्गीज कुरियन की वजह से आया है, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है इनका हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, खासकर वाइट रिवॉल्यूशन के अंदर, वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इस एडिटोरियल में मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगा। उसके बाद लास्ट एडिटोरियल यह है, यह GST के बारे में चर्चा करता है, मैंने आपको कल ही बताया था GST के जो स्लैबिंग्स हैं, जो रेट्स होते हैं, उसको अभी यहां पर कम करने की चर्चा की गई है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो ऑथर हैं सी शरद चंद्रन, इन्होंने यहां पर काफी कुछ लिखा है, इन्होंने बोला है भारत के अंदर आज के टाइम पर जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम पर जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको देखते हुए हम लोग को एक वर्गीज कुरियन की ज़रूरत है। वर्गीज कुरियन यहाँ पर आप देख पाओगे ये व्यक्ति हैं, और बोला जाता है यहाँ पर ये एक तरीके से मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि 26 नवंबर, देखो 26 नवंबर को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। 26 नवंबर को हम लोग कुरियन जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो 100th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर ऑब्जर्व करी गई थी इनकी, और तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। 26 नवंबर को और भी बहुत सारे काम हुए हैं, तो आप इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना। तो वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि जो दूध का जो व्यापार है ये कब से बढ़ना चालू हुआ, जो दूध का सेक्टर है, मिल्क सेक्टर है, ये कब से तेज़ी से बढ़ना चालू हुआ है, ठीक है, वो रिवॉल्यूशन यहाँ पर कहला, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला है वैसी वाइट रिवॉल्यूशन देखने को मिला था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो इन्होंने स्टार्ट किया था, ये मिल्क प्रोडक्शन में काफी आगे निकल कर आए, अमूल को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, अमूल को बनाया, अमूल को एज अ कोऑपरेटिव निकाल कर लेकर आए, और आज के टाइम पर अमूल एक नंबर वन इंटरनेशनल ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स को लगातार बीट कर रही है, ठीक है।
तो मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। अब यहाँ पर पहले मैं आपको आर्टिकल का निचोड़ बताता हूँ कि आर्टिकल क्यों लिखा गया है। आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया कि आज के टाइम का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर अच्छे से फोकस नहीं किया जा रहा है। आज के टाइम पर हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? डिजिटल रिवॉल्यूशन के ऊपर। इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे छोड़ दिया है। आज हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, स्मार्ट विलेज की बात नहीं करते, हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। तो हम गाँव के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। उसका जो फार्मर सुसाइड है वो अनकॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो फार्मर्स की सुसाइड काफी ज्यादा हो रही है, फार्मर्स लगातार बहुत सारे सुसाइड्स वगैरह आप लोग कर रहे हैं, काफी तक बर्डन इनके पास देखने को मिल जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें इंडिया के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं जा रहा है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है आज के टाइम पर। तो इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज के टाइम पर हम लोग पूरी तरह से भटक चुके हैं अपने रास्ते से, हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हैं आगे। और टेक्नोलॉजी के मामले ही बात करें तो अच्छी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छे से हम लोग एग्रीकल्चर, देखो टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें तो बाकी सारी चीज़ों के लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कंडीशन आज के टाइम पर हम लोग यहाँ पर उससे सफ़र कर रहे हैं। फिर उसके बाद पैंडेमिक, कोरोना वायरस ने चीज़ों को और ज़्यादा बदतर बना दिया, ये हम लोगों ने देखा है, चीज़ें और ज़्यादा बेकार हुई हैं। कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर लगातार बिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने कमाए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, लगातार पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बात कर रहे हैं जब एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया गया है। तो करना क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और ऐसा कोई आए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करे। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ऑथर ये लिखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आज के टाइम पर हमें ज़रूरत है वर्गीज कुरियन की। तो वर्गीज कुरियन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उनके लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो अभी 26 नवंबर 2021 को इनकी 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया और बोला गया कि देखो इंडियन फार्मिंग के अंदर इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा और बहुत सारे फार्मर्स का सोल्यूशन निकल कर लेकर आए ये। और उसके बाद बोला गया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला के थोड़ी दूरी पर बिलोंग करते हैं, एक तरीके से बिलोंग करते हैं, एक अपर मिडिल कास्ट क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक एजुकेटेड मतलब इन्होंने जो पढ़ाई वगैरह करी है वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अच्छे से इनकी पढ़ाई वगैरह हुई भी है, बाद में यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की तरफ बढ़कर निकले। और उसके बाद बोला जाता है जो ये कुरियन जी हैं, इन्होंने यहाँ पर जो अमूल का आइडिया है आज के टाइम पर उसको डेवलप किया, अमूल को एज अ कोऑपरेटिव ये निकाल कर आए और आज के टाइम पर अमूल यहाँ पर एक वन ऑफ द ग्लोबल ब्रांड देखने को मिलेगी। उसके बाद इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन को लॉन्च कर दिया है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के मामले में क्या हुआ, इंडिया एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बन चुका है, मतलब जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन आया भारत क्या हुआ, मिल्क के मामले में, दूध के मामले में सबसे ज्यादा बड़ा नेशन बन चुका है। हम लोग दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर रहे हैं आज के टाइम पर। वो सब किसकी वजह से हुआ है, वो सब इनकी वजह से हुआ है। अब जब दूध का प्रोडक्शन बढ़ा तो आज के टाइम पर भारत के अंदर बहुत सारे डेयरी फार्मर्स हैं। अब डेयरी फार्मर्स का आज के टाइम पर जो रोजगार चल रहा है वो इनकी वजह से चल रहा है। तो यहां पर क्या है, इन्होंने कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया है। उसी प्रकार से आज के टाइम पर भी किसी की जरूरत है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वापस से रिवाइव करे, ठीक है। ये यहां पर बताया गया। नाउ मैंने आपको बताया व्हाइट रिवॉल्यूशन को एक तरीके से इन्होंने लाया, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फाउंडर बोले जाते हैं। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इंडिया के अंदर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है ये ब्रेन चाइल्ड हुआ करता था, ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आए। इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको बनाया गया, जैसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बनाया गया, ताकि जो डेयरी सेक्टर है उसको हम लोग बढ़ा सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग डेयरी के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे, दूध के अंदर बढ़ावा तेज़ी से आ जाएगा, तभी यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आ सकती है। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है इसकी स्टार्टिंग होती है NDDB के थ्रू, मतलब कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू 1970s में हो जाती है इसकी शुरुआत। देन उसके बाद क्या होता है, हम लोग यहां पर मिल्क प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगातार फोकस करते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन भारत के अंदर बढ़े। अब यहाँ पर इस क्रांति का फेस वन शुरू होता है। फेस वन कब शुरू होता है, 1970 में इसका फेस वन शुरू हो जाता है, 10 साल तक ये फेस चलता है, 1980s तक ये फेस चलता है। इसके अंदर हम लोग काफ़ी बटर ऑयल वगैरह, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है, ये काफ़ी कुछ यहाँ पर इसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद फेस टू आता है हमारा, फेस टू लगभग 1981 से लेकर 1985 तक, 5 साल तक चलता है। इस फेस के अंदर जो नंबर ऑफ मिल्क शेड्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं,
18 से लगभग 136 हो जाते हैं, जो मिल्क आउटलेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो लगातार मिल्किंग की जो बात हो रही है वो लगातार बढ़ जाती है, और उसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं जो कि मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जनसंख्या भी बढ़ जाती है। लगभग 42,50,000 के आसपास मिल्क प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, जो कि लगभग 43,000 के आसपास गाँवों के अंदर फैले हुए होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अपने आप में मिल्क का प्रोडक्शन फेज़ टू से मतलब 1981 से लेकर 1985 के बीच में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ना चालू हुआ। फिर फेज़ थ्री के बारे में बात करें तो फेज़ थ्री आता है, ये भी 10 साल तक चलता 1985 से लेकर 1996 तक। इस फेज के अंदर जो डेयरी का सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो होता है, सबसे तेजी से ग्रो होने वाला ये फेज हम लोग को देखने को मिलता है। और यहां पर क्या होता है, हम लोग लगातार अपना जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको तो और ज्यादा मजबूत करते हुए चलते हैं। देन इसका मेन मकसद क्या था, इस पूरे रिवॉल्यूशन का मेन मकसद यह था कि मिल्क का प्रोडक्शन हम लोग बना सकें, ठीक है। मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन है, दूध का प्रोडक्शन है, इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा बनाएं, इससे भी हम लोग कमाई कर सकें, जो कि आज के टाइम पर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रूरल इकोनॉमीज बढ़ी, मतलब कि जो गांव के एरियाज़ हैं उनके जो लोग हैं वहाँ पर काफ़ी तक इनकम बढ़ी। आज के टाइम पर भी आप देख पाओगे रूरल एरियाज़ के अंदर दूध का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, बहुत सारे फार्मर्स डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको हम लोग डेयरी फार्मर्स बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे आप देख पाओगे इंपॉर्टेंस इसका देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस ये देखने को मिलेगा, इसने भारत के अंदर डेयरी फार्मर्स की डायरेक्टली मदद करी है, डायरेक्टली डेवलपमेंट हुआ इनका, डायरेक्टली उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, और डायरेक्टली बहुत सारे फार्मर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और आज के टाइम पर बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो बिज़नेस है उसको और तेज़ी से बहुत अलग लेवल पर स्टैंड कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, और इससे क्या हुआ, इन सब चीज़ों से भारत को ही मदद मिली है। भारत एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन चुका था साल 2016-17 में। आज के की बात करें तो इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर के अंडर में आता है। लगभग आप कह सकते हो दुनिया भर में जितना भी दूध प्रोड्यूस होता है उसका 22% भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। तो आप लोग समझ सकते हो यहां पर, अब इन सब चीजों के पीछे एक व्यक्ति है, वो कौन है, वो है वर्गीज कुरियन। तो बोला जा रहा है कि यहां पर इनके जैसे एक और इंसान की जरूरत है जो कि यहां पर चीजों को वापस से रिवाइव करता हुआ नजर आएगा। आई होप आपको यह क्लियर हो चुका है, आई होप आपको यह एडिटोरियल अच्छे से क्लियर हो चुका है। जो भी मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताइए आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। आएंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर चर्चा करता है अ क्लोज रीडिंग ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। देखो आज के टाइम पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसमें क्या है, मतलब इंडिया की कैसी हेल्थ है वो यहां पर बताया गया। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल को, जो यहाँ पर पूरा का पूरा ये कार्ड तैयार किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं ये पहला फेज में कनेक्ट किया गया था, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितने भी रिजल्ट्स हैं ये फर्स्ट फेज में कनेक्ट किया गया था, ये जून 2019 और जून 2020 के बीच में कनेक्ट किया गया था। लेकिन ये जो हम लोग जिस सर्वे की बात कर रहे हैं अभी इस आर्टिकल के अंदर, वो यहाँ पर NFHS 5 वाला सर्वे है, इसको रिलीज़ किया गया था दिसंबर 2020 के अंदर। लेकिन आज के टाइम पर जो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं वो कहाँ से निकल कर आए, वो सेकंड फेज से निकल कर आए। और वो सेकंड फेज कब कनेक्ट किया गया था, 2021 के अंदर, मतलब जनवरी 2020 में शुरू हुआ था, अप्रैल 2021 तक का डेटा हमारे पास है कि हमारे भारत के अंदर ये हेल्थ को लेकर क्या सिचुएशन है, मतलब करंट सिचुएशन क्या है, ये यहां पर बताया गया, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी डेटा को लेते हुए। सबसे पहला यहां पर ये हेल्थ सर्वे बताता है पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड, जो हमारे कंट्री की जनसंख्या है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। देखो हुआ क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यह बताता है कि 2015-16 के अंदर हम लोगों ने देखा कि लगातार यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा था एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के अंदर, और ये अभी भी इंप्रूवमेंट हुआ है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे कि अगर बच्चों का जन्म हो रहा है तो वो इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स में हो रहा है, तो अपने आप एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है ये। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पाओगे कि पॉपुलेशन रुक सी गई है, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं भी हो रही है तो वो भी अपने आप में कंसर्न है, ठीक है। अगर बहुत तेज़ी से हो रही है तो वो भी अपने आप में एक दिक्कत वाली बात है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन अगर रुक सी जाएगी तो क्या होगा, जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे वो नहीं होंगे, उससे क्या होगा, जो हमारा कंट्री है वो ओल्डर होता हुआ चले जाएगा, ठीक है। एक ओल्डर सेक्शन में पहुंच जाएगा, लोग बूढ़े होते हुए चले जाएंगे, और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी कंट्री की वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। तो क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो होनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पर। लेकिन पॉपुलेशन हमारी एक स्टेबल सी हो चुकी है, यहाँ पर हमने देखा है एक थम सी गई है पॉपुलेशन। वो कैसे थमी है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया, मतलब इस सर्वे के अंदर जो भी मैंशन है वो बताया कि आज के टाइम का जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डाउन हो चुका है। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब यह है कि यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमेन, मतलब एक वुमेन कितने बच्चों को पैदा कर रही है अपने पूरी जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में, तो फिर क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट आज के टाइम पर 2.1 से भी डाउन हो चुका है। 2.1 तो हमारा रिप्लेसमेंट रेट था। रिप्लेसमेंट क्या होता है, देखो रिप्लेसमेंट रेट का सिंपल सा मतलब है
कि जो हमारी पॉपुलेशन वो स्टेबल है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जनसंख्या के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, वो स्टेबल है, तो हम इस कंडीशन में पहुँच चुके हैं, मतलब इससे भी डाउन कंडीशन में पहुँच चुके हैं जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। तो आज के टाइम पर जो टोटल पॉपुलेशन वो स्टेबलाइज हो चुकी है, पहली चीज़ तो ये बताई है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद दूसरा बताया डेटा ऑन सेक्स रेशियो। देखो सेक्स रेशियो की बात करें तो वुमेन्स इंक्रीज हुई हैं, ऐसा बताया गया, लगभग 1000 मैन के ऊपर 1020 एडल्ट वुमेन हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो आप कह सकते हो जो वुमेन है इनका इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब ये पता नहीं किस चीज़ का सिग्नल है, क्या वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है या फिर सन के प्रेफरेंस में ज़्यादा वुमेन हुई है, ज़्यादा गर्ल्स के यहाँ पर एक तरीके से बर्थ हुआ है, यह हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब कि यह है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, कि एक लड़की की चाहत रहती है, डिजायर ऑफ अ सन, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा रहता है कि यहाँ पर क्या है, बच्चे की चाहत में यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है, यह हम लोग देख पाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें एक हमारा जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, जो सेक्स रेशियो बर्थ है बेसिकली, वो हमारे देखने को मिलता है कि 105 बॉयज़ होते हैं टू 100 गर्ल्स, मतलब ये जो ओरिजिनल सेक्स रेशियो है, नेचुरल सेक्स रेशियो बर्थ है, वो यहाँ पर बताया गया, लगभग 105 बॉयज़ हैं 100 गर्ल्स के ऊपर, ये बताया गया। लेकिन एडल्ट वेमेन की बात करें तो एडल्ट वेमेन के मामले में लगभग 1000 मैन के ऊपर, 1000 आदमियों के ऊपर लगभग 1020 वेमेन आपको देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो वेमेन की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, वेमेन का सेक्स रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। और यहाँ पर बताया गया है कि देखो ये पहले काफ़ी कम था, ठीक है, अभी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ये पहले काफ़ी कम चलता था लेकिन आज के टाइम पर इंक्रीज हुआ है। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सेक्स रेशियो बर्थ बहुत कम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन सारे एरियाज़ में अभी भी यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत कम है। हालांकि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर हम लोगों ने इंप्रूवमेंट देखा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी कंडीशन काफ़ी बुरी हम लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद और क्या बताया गया, तीसरा पॉइंट बताया गया एनीमिया और मैड न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, देखो एनीमिया होती है एक इस प्रकार की डिजीज़ कि मान लो यहाँ पर ब्लड की कमी हो चुकी है, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो चुकी है, जो RBCs होता है, रेड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, कम हो चुके हैं। कैसे, आपको एक अच्छा खाना नहीं मिला, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर आयरन नहीं आया, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो गई, अब खून की कमी हो गई तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो खून है वही तो ऑक्सीजन को ट्रैवल करवा रहा है पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग देख पाते हैं। तो एनीमिया कंट्री के अंदर बड़ा है, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, कि बच्चों को अच्छे से खाना नहीं मिला, तो ये कंडीशन भी कंट्री के अंदर बड़ी है, ये इस रिपोर्ट ने बताया। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, एक सेकेंड रुकना यार, हाँ, अब अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो एनीमिया है वो लगभग यहाँ पर 5 साल से कम बच्चों के अंदर देखें तो वो इंक्रीज़ हुआ है, वेमेन के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, पहले 58% हुआ करता था वो 67% हुआ बच्चों के अंदर, वेमेन के अंदर 53% हुआ करता था वो अब 57% हुआ है। तो एनीमिया अपने आप में खतरनाक कंडीशन, एनीमिया क्या होता है मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद बताया गया केरला के अंदर एनीमिया की कंडीशन काफ़ी कम है, ठीक है, केरला एक अच्छा स्टेट देखने को मिलेगा, केरला की कैटेगरी के अंदर हम बात करें, केरला को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स यहाँ पर काफ़ी बुरी हालत देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या बताया गया कि अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब आपको देखने को मिलती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, यहाँ पर ये सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर इन कंडीशन को लेकर, एनीमिया की लेकर कंडीशन या फिर मैलन्यूट्रिशन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है, कुपोषण की कंडीशन ज़्यादा है, ठीक है। कुपोषण की बात करें हम लोग तो यहाँ पर 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं, जैसे क्या, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर नॉरिशमेंट। मतलब क्या है चाइल्ड स्टंटिंग का, मतलब ऐसे है कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट बहुत कम होती है। अब हाइट कब कम होगी, उम्र के हिसाब से हाइट कब कम होगी, जब उनको एक अच्छा खाना नहीं मिला, एक अच्छा सा न्यूट्रिशियस डाइट उनको नहीं मिली है। उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलती है यहाँ पर, कि उम्र के हिसाब से वेट बहुत कम है, वजन बहुत कम है, बहुत पतले से, पतले दुबले से हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये भी अगेन एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक अच्छा खाना नहीं मिला, एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से कंसर्न देखने को मिला है। उसके बाद अंडर वेट होता है, मतलब कि वेट बहुत कम होता है, अगेन वही वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें भी कंट्री के अंदर ओवरऑल काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, मतलब कि आप इंक्रीज़ क्या हुई है, आज के टाइम पर हम लोगों ने देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भी हमारी सिचुएशन काफी खराब देखने को मिलेगी, ये हम लोग लगातार देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखा, उसके बाद क्या करें, अगर हम बात करें ओवरऑल रिडक्शन की, तो देखो ओवरऑल रिडक्शन में हम लोग देख पाएंगे कि काफी सारी सिचुएशन आज के टाइम पर भी खराब है। डाल किस पे देते हैं, कोरोना वायरस पेंडिंग में, मतलब कि जो सिचुएशन काफी हद तक बदतर हुई है वो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हुई है। पेंडेमिक ने सिचुएशन को और ज्यादा खराब किया और सब लोगों ने फिर क्या करा, सब चीजें ले जाकर पेंडेमिक के ऊपर डाल दी, कि जो भी चीजें आज के टाइम पर खराब हुई हैं, हंगर हुआ है वो कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हुआ है, ठीक है। जो भी चीज हुई है, पहले
उससे पहले तो देखो कोरोना वायरस से पहले भी तो ये चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑथर का कहना यह है कि कोविड से पहले भी तो ये चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन क्या हुआ कोविड के बाद तो सारी चीज़ें यहाँ पर इसी के ऊपर डाल दी गई हैं कि कोविड की वजह से आज के टाइम पर प्रॉब्लम सारी क्रिएट हुई हैं। हालांकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, ठीक है। ये बोला, उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और ये अंडर न्यूट्रिशन है, इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर फिर भी इसके अंदर चलो इंप्रूवमेंट हुआ, बच्चे थोड़े बहुत सुधार देखने को मिला, माल न्यूट्रिशन कंडीशन कम हुई है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम बड़ी है, वो है ओवरवेट की। बच्चों का कभी कभी ओवरवेट काफ़ी देखने को मिला, वजन काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पर उनके अंदर बनती हुई नजर आती है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, लैक ऑफ विटामिंस, लैक ऑफ मिनरल्स, अच्छे से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे विटामिंस मिनरल्स होते हैं जो कि हमें रोजाना नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप लोग अपने डाइट के अंदर एक विटामिन जरूर ऐड करो, ठीक है, मल्टी विटामिन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, अब जब मल्टी विटामिन बॉडी के अंदर नहीं गए तो एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होंगे, जो खाना है वो जैसे डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर वो लगेगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देख पाते हैं, कभी कभी इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती हैं, जो भी आप कह सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर यह बता रही है, मतलब ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखें इंप्रूव होते होते, कहीं पर अगर कंडीशन इंप्रूव हुई है तो दूसरी तरफ कंडीशन बेकार हुई है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि हमने ग्रो नहीं किया है, फिर भी अगर ये सर्वे बताएं, अगर सर्वे का टोटल डेटा देखें तो हेल्थ के अंडर हम लोगों ने बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं किया है, ये बताया गया। फिर उसके बाद ये बोलती हैं कि देखो आज के टाइम पर इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग को एक ओवरऑल एविडेंस ये मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर चीज़ों के हमारे पास बिल्कुल क्लियर हैं। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई या नेशनल गवर्नमेंट हो गई, इन सबको मिलकर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस हेल्थ आउटकम के अंदर, उसको थोड़ा सा लेकर आगे, क्योंकि हेल्थ अगर हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बता दी गई कोविड के 19 के ऊपर डाल दिया गया कि कोरोना वायरस की वजह से यह है, और काफ़ी सारा यहाँ पर आप देख पाओगे डेटा मतलब गड़बड़ाया हुआ दिख रहा है, ठीक है। डेटा यहाँ पर काफ़ी हद तक उल्टा सीधा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये बोला गया कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद जो सर्वे है इसके अंदर काफ़ी जो इनइक्वालिटीज़ हैं हेल्थ आउटकम को लेकर, वो इस इनइक्वालिटीज़ को कम करना पड़ेगा और एक एक्शन लेना पड़ेगा ताकि हम लोग इंडिया के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि इंडिया के अंदर हेल्थ कंडीशन काफ़ी बुरी है, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बता ही दिया है। उसके बाद यार यहाँ पर दो आर्टिकल हैं, ये वाला और ये वाला, इसको मैं आज नहीं कवर करूँगा, ठीक है। तो कहोगे कब कवर करूँगा, इसको मैं कवर कर चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है आपको। कल वाला वीडियो आपको देखना है, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया, देखो एक घंटे से ओवरऑल वीडियो ऊपर ही हो चुका है, तो कल वाला जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो बिल्कुल वीडियो जैसे ही आप ओपन करोगे बिल्कुल स्टार्टिंग में पेज नंबर 1 पर ही पहले और जो दूसरे आर्टिकल वो हमने यही कवर करे थे। मैंने कल आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई, GST के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, उसके बाद MG NREGA के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि वही आर्टिकल अगले दिन आ जाते हैं, जैसे आज पेज नंबर 1 पे जो आर्टिकल है वो अगले दिन एडिटोरियल पर छेप दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये कल वाले ही आर्टिकल हैं, कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आर्टिकल अभी तक डिस्कस नहीं किया गया था, उसके नीचे वाला आर्टिकल अभी तक डिस्कस नहीं किया गया था, इस वजह से दोनों अलग हैं, यूनिक हैं, इस वजह से मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यार इतना सपोर्ट करना प्लीज़, ठीक है। ये कल वाला वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखना, कल वाले वीडियो में मैंने पेज नंबर 1 पर ही ये दोनों आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मतलब एक चीज़ भी नहीं छूटेगी आपको, एक लाइन भी आपका यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, ऐसे मैंने यहाँ पर कवर कर दिया था, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर कवर की गई है। तो उसकी टेंशन मत लेना, वहाँ से आप लोग उसको कवर कर सकते हो, उस वीडियो का मैं लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वैसे वीडियो मिल ही जाएगा, कल का ही वीडियो है वो, ठीक है, आप लोग जरूर देख लेना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।